भारत साधु समाज के प्रदेशाध्यक्ष थानेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र के महंत श्रीमान महंत बंसीपुरी जी ने कहा कि मां सरस्वती तीर्थ तट पर प्राचीन प्रथेश्वर महादेव मंदिर बड़ा शिवालय के व्यवस्थापक संत स्वामी उत्तम गिरी जी महाराज के ब्रह्मलीन हो जाने से जहां नगर वासियों में शोक पसरा हुआ है, वहीं साधु समाज को भी बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। जनमंच की आज़ादी न्यूज़ के लिए पेहवा से संजय वर्मा की रिपोर्ट। मेरे छोटे गुरु भाई स्वामी उत्तम गिरी जी महाराज, जो कि एक बहुत अच्छे संत थे, सरल हृदय और सभी में लोकप्रिय थे, इस प्रसुद्ध भूमि में सन 1988 से निरंतर सेवा करते रहे। सन 1992 में मैंने उनको यहाँ का कार्यभार संभाला समझाया और तब से लेकर के उन्होंने बड़ा कार्य किया। वो यही नहीं, हमारे पेवे में नहीं, हमारे पूरे समाज साधु समाज में बड़े लोकप्रिय संत थे। सभी अखाड़ों में सभी महापुरुष उनको बहुत प्यार करते थे। कुछ समय से 15-20 दिन से वो थोड़ा अस्वस्थ थे और अस्वस्थता में ही परसों वो हरिद्वार चले गए। मैंने उनको मना किया परंतु उन्होंने कुछ किसी को वचन दे रखा था कि मैं आऊँगा, तो अपनी वचन की दृढ़ता को रखते हुए वो चले गए। और उस दिन वो थोड़ा बहुत घूमे फिरे, इसके बाद में रात्रि को उनको खांसी बहुत होगी और रात भर उनका जागरण ही हुआ। अगले दिन उन्होंने एक प्रीति भोज नाश्ते का आयोजन किया हुआ था संतों का, क्योंकि दूर दूर से वहाँ अखाड़े में संत आए हुए थे। जब उन्हें मीटिंग हो रही थी तो उनके लिए नाश्ते का आयोजन किया, तो सवेरे उन्होंने सब संतों को नाश्ता कराया, सबको यथाविधि दक्षिणा दी और उसके बाद में वो लेट गए और लेटने के बाद में बहुत सोते रहे। तो जो संत जहाँ वो ठहरे हुए थे कमरे में, उन्होंने सोचा सो रहे हैं, रात को जागरण हुआ है, परंतु 2 से 3 बजे के बीच में अचानक किसी को पता नहीं चला उनकी हालत, शरीर ठंडा पड़ने लगा और 3 बजे के लगभग जब उनका शरीर ठंडा हुआ, डॉक्टरों को बुलाया गया, उनका निरीक्षण कराया गया। उससे पहले भी वो डॉक्टर के यहाँ गए थे, डॉक्टर ने उनको बताया भी था कि आप अस्पताल में भर्ती हो जाओ, परंतु वो साधु होते हैं, अपने विचारों के होते हैं, उन्होंने उनके विचारों का समर्थन न करते हुए वो ये बोले कि मैं तो जमात में ही रहूँगा, और वो जमात में आ गए। उसके बाद में तबीयत उनका, जब वो दिन में वो सोते रहे, 3 बजे के लगभग जब डॉक्टरों ने उनका निरीक्षण किया तो उन्होंने कहा कि जी ये तो अंतिम अवस्था में है। और एक डॉक्टर ने देखा, जब दूसरा डॉक्टर आया तो उसने उनको कहा कि वो तो ब्रह्मलीन हो चुके हैं। तो 4 बजे के लगभग मैं भी अस्वस्थ था उस दिन सवेरे से, मैं पड़ा हुआ था अपने कमरे में, मैंने फ़ोन बंद कर रखे थे। तो जब मेरे संत खड़वांगपुर ने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे करके स्वामी जी उत्तम गिरी जी सीरियस हैं, तो फिर मैंने वहाँ फ़ोन के माध्यम से पता किया, तो थोड़ी देर बाद पता चला कि उनका शरीर छूट गया। बड़ा वज्राघात मन पर हुआ, क्योंकि वो मेरे एक दाहिने हाथ थे, मेरे कंधे से कंधा मिला करके जितने भी मैंने संस्थान खड़े किए सब में वो मेरे व्यवस्थापक थे और बड़ा स्नेह था उनका मेरा, जैसे एक बड़े भाई छोटे भाई का होता है, और बड़ा आदर मेरा करते थे, मैं उनका करता था। जब ये सुना तो मेरे को बहुत बेचैनी हुई और मैं उसी समय यहाँ से चल पड़ा। और भी भक्तजन मेरे साथ में बहुत से गए, हम 2-3 गाड़ियाँ वहाँ पहुँचे, और भी संत पंजाब से उनके
परिवार से ही, मतलब परिवार संत परिवार से, उनकी गुरु बहन स्वामी विद्यागिरि जी महाराज वो भी पहुँची, जितने भी वहाँ के प्रतिष्ठित संत महामंडलेश्वर महंत पीठाधीश्वर थे वो सब वहाँ पहुँचे और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। महंत पूज्य हरिगिरि जी महाराज भी देखिए तीन दफे, पहले तो जल समाधि के स्थान पर गए, वहाँ से उन्होंने मेरे को फोन किया, मैंने कहा आप यहाँ जाओ जमात में, फिर जमात में आए, दर्शन किए, हम दोनों बैठे रहे दो घंटे एक डेढ़ घंटा। उसके बाद मैंने उनको कहा कि जब जल समाधि देंगे तो आपको बताऊंगा मैं। तो जब हम जल समाधि देने को जाने लगे तो हम वहाँ गए और मैंने उनको फ़ोन किया तो वो साधुओं संतों सहित वहाँ आए, सैकड़ों संतों के सानिध्य में उनको जल समाधि प्रदान की गई। मेरे मन में तो बड़ा दुख है क्योंकि जो श्रेय उनसे मेरा था शायद ही किसी से हो, और जो सहयोग उनका मेरे को रहा वो मेरे लिए एक अविस्मरणीय है, और मैं उस पुण्यात्मा के प्रति बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान पृथ्वेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्होंने देखो पूरे श्रावण से लेकर के श्रावण से पूर्व से वो नित्य प्रति दूर दूर से फूल ला करके भगवान का श्रृंगार करते थे। ये पहला अवसर था कि उन्होंने करीबन ने दो, आप सभी को पता है कि आज हमारे परम पूज्य स्वामी उत्तम गिरि जी महाराज ब्रह्मलीन हो चुके हैं, श्री पृथ्वेश्वर महादेव जी की शरण में चले गए हैं। उनके जाने से हमें और हमारे इस पिहोवा शहर को बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ है, बहुत क्षति हुई है जिसकी हम कभी भरपाई ही नहीं कर सकते। ये मंदिर वही मंदिर है जहाँ पर बिल्कुल सुनसान शांत वातावरण बना हुआ है। महाराज जी यहाँ भजन वगैरह चला कर रखते थे, श्रृंगार के लिए भगवान की फूलों से मालाएं बनाते रहते थे, जब भी जिसको देखते थे आवाज़ लगा के बुलाते थे, हरेक को अपने पास बिठा करके सबसे पूछते थे कहाँ घूम रहे हो क्या कर रहे हो। आज उनके ना होने से जितने भी भगत आ रहे हैं मंदिर में वो यही कह रहे हैं कि हमारे को कोई पूछने वाला ही नहीं रहा, और हमारे को इस मंदिर में किसी प्रकार की कोई अच्छा माहौल ही नहीं दिख रहा है। मंदिर बिल्कुल सुनसान हुआ पड़ा है, सारे भक्तजनों में भारी बहुत भारी कष्ट है, बड़ा दुख है। सभी आकर के यही कह रहे हैं कि स्वामी जी का जो जगह है वो इस हमारे धरती पर कोई नहीं ले सकता।